तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारी सैमसंग की 7 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन आ गई है, उसका डिलीवरी हो गई है और ये हमने फ्लिपकार्ट से द बिग बिलियन डील सेल में मंगाया है। तो दोस्तों, इसका जो बॉक्स है वो बाहर रखा हुआ है और डिलीवरी बॉय इसको आज दोपहर को ही देके गया है। तो चलिए आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका फर्स्ट इम्प्रेशन है वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार की ये मशीन है और क्या क्या इसमें मिलता है। तो चलिए बॉक्स को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, बाहर चलते हैं जो हमारा बॉक्स रखा हुआ है और वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप नहीं करना, पूरा जानकारी मिलेगा इसमें कितने प्राइस का मिला और क्या क्या इसमें ऑफर मिला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, ये है हमारा कर्टन वॉशिंग मशीन का, सेंसुई का, इसको डिलीवरी बॉय अभी देके गया है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डू नॉट क्रश, इसको कुचला नहीं जा सकता, इसको मोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि इसके अंदर बहुत सेंसिटिव चीज है। तो ये है सेंसुई का मॉडल, यहाँ पे देख सकते हैं आप, JSP70S2024L7kg बर्गंडी कलर है इसका। फ्रेंड्स, यहाँ लिखा है ट्विन ट्यूब वॉशिंग मशीन, ठीक है। फ्रेंड्स, अब नीचे चलते हैं तो सेंसुई का यहाँ पे प्रोडक्ट कॉमन नेम है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। मॉडल की बात करें JSP70S2024L, कलर की बात करें तो बर्गंडी है। वॉल्यूम की बात करें तो 7 kg है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसका पावर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी की, तो वॉश 350W, स्पिन 150W, 220-240W, 50 Hz आपको मिलता है। जुलाई 21 इसकी मंथ एंड ईयर मैन्युफैक्चरिंग है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस की करें बात तो 12,990 रुपये है। इसके अंदर क्या मिलता है, 1 नंबर वॉशिंग मशीन, 1 नंबर यूएस मैनुअल, 1 नंबर वारंटी कार्ड, 1 नंबर ड्रेन होस, 1 नंबर वाटर इनलेट पाइप, 1 नंबर सेफ्टी लिड। तो ये सारी चीज इसके अंदर आपको दिखाई देते हैं, मिलते हैं इसके अंदर। मेड इन इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया का कस्टमर केयर नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करने के लिए हमें जो यहाँ पे जो स्ट्रिप लगी हुई है उनको निकालना होगा। चलिए हाथ के सारे हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं और सीजर से भी हमें काटना पड़ेगा क्योंकि हाथ से बीच वाला नहीं कटेगा। तो चलिए इसको सीजर से काट लेते हैं, काफ़ी हार्ड होता है दोस्तों, सीजर से भी बड़ा ही टाइट हो रहा है इसको काटने में। तो फाइनली हमने ऊपर से इसका स्ट्रिप काट दिया है। अब देखते हैं साइड से कोई स्ट्रिप हो तो उसको भी हम कट कर देते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रिप है तो इसको कट कर देते हैं और लगभग सारा स्ट्रिप कट हो गया है मेरे ख्याल से। और इस तरफ देख लेते हैं एक बार कि स्ट्रिप कोई है कि नहीं। नहीं है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5-स्टार हमारा वॉशिंग मशीन है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें तो 0.0126 kWh मिलता है। यहाँ पे लेवल पीरियड की बात करें 8 मार्च 2019 से 31 दिसंबर 2021 मिलता है। यहाँ पे मॉडल नंबर दिया है, ब्रांड दिया है, टाइप दिया है, लोकेशन कैपेसिटी दिया है और यहाँ पे वाटर कंजप्शन भी दिया है 18.85 LKG साइकिल का। और चलिए फाइनली इसे पर्दा उठाते हैं, ओपन करते हैं बॉक्स को। तो देखिए वॉशिंग मशीन हमारा कुछ इस तरीके से नजर आता है, बहुत ही कमाल का वॉशिंग मशीन नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसुई पावर वॉश। जी हाँ फ्रेंड्स, पावर वॉश है इसके अंदर और यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं इसके, 4 फीचर्स वो भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे नीचे देख लेते हैं किस तरीके से ये पैक होके आता है। देखिए काफ़ी सेफ्टी से इसको और पैकिंग किया जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेंसुई फाउंडेड इन जापान, मेड फॉर इंडिया। 4 ऑप्शन दिए हैं, सुपर स्पिन, ब्रिज ड्राई, एनर्जी एफिशिएंट, ड्यूरेबल बॉडी, यानी ये आपको 4 इसमें फीचर मिलते हैं। चलिए यहाँ पे जो रैपर है इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, रैपर निकलता है कि नहीं, और कुछ इस तरीके से इसको रैपर निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ये वॉशिंग मशीन नज़र आती है, कितना फाइन इसका कलर है, काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इसका कलर बहुत ही अमेजिंग है। ये देखिए ब्रांड लिखा हुआ है सेंसुई JSP70S2024L7kg, वाह क्या बात है। तो देखिए एक हॉस पाइप के लिए दिया है, इसमें 2 दिए हैं वो बताते हैं। इसका ये ड्रेन वाला हॉस पाइप है और यहाँ से ये जो ड्रेन वाटर है वो निकल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है वायरिंग डायग्राम, मेड इन इंडिया सेंसुई का लिखा हुआ है पूरा, इसमें डायग्राम बना के दिया है वायरिंग का, किस तरीके से इसमें वायरिंग हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लग है, तो प्लग को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए किस तरीके से फोल्ड किया हुआ है और इसी तरीके से आप इसको यूज करने के बाद और इसमें लगा देंगे। तो चलिए इसको एक बार निकाल के दिखाते हैं कि किस तरीके से निकलता है। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से निकल जाता है, इसमें इस तरीके से ये आपको लगा देना है। अब देखते हैं वायर कितना बड़ा है, तो एक बार इसको निकाल लेते हैं और निकाल के क्या करेंगे, आपका पूरा ये अनफोल्ड करते हैं इसको और लंबा करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से कितना हुआ फ्रेंड्स, 1-2 या 3 मीटर शायद हो सकता है। तो देखिए ये 3 प्लग है कुछ इस तरीके का और इतना लंबा है पूरा, एक बार दिखाते हैं। देखिए यहाँ से लेके और ये यहाँ तक है, इसको कवर कर देते हैं दोबारा। देखिए जब भी आप यूज करें तो किस तरीके से आपको ये लगा के रखना है पूरा ये वायर, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से इसको हम फिर दोबारा से लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसका बॉडी काफ़ी अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा काफ़ी, और
जब भी हम कोई नई चीज परचेज करते हैं तो पूजन जरूर करते हैं। तो चलिए पूरा विधि विधान से इसका एक बार पूजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके आपको फीचर बताएंगे। तो पूजा करना बहुत ही जरूरी होता है फ्रेंड्स। जय हो वॉशिंग मशीन मैया, सारे कार्य सफल हों, अच्छे तरीके से चले। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, एक बार मैं इसको लुक दिखाता हूँ थोड़ा दूर से, और कुछ इस तरीके से आपको इसका लुक नजर आता है। चलिए नीचे की तरफ इसके दिखाते हैं, व्हील वगैरह है कि नहीं। नहीं व्हील नहीं है दोस्तों, इसमें इस सीधे से इसके पैर हैं इसके जो, और यहाँ पे आपको एक पाइप के लिए मिल जाता है वाटर इसमें इनलेट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे दो दिए हैं, एक यहाँ पे दिया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें दो मिलते हैं। उसके बाद देख सकते हैं इस पर वॉच टाइमर लिखा है 3, 6, 9, 12, 15 तक इसमें आप लगा सकते हैं वॉच टाइमर, और ऑफ का भी है इसमें, और ये दिया है बजर, जैसे ही आप टाइमर लगाते हैं वो जो ख़त्म होता है टाइमर तो बजर बज जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद वॉश सेलेक्टर लिखा है नॉर्मल जेंटल, और इधर लिखा है ड्रेन, यानी जब आपको पानी बाहर निकालना है कपड़े धोने के बाद तो ड्रेन पर आप कर देंगे इसको, तो आपका पानी सारा बाहर निकल जाएगा कपड़े धोने के बाद। ठीक है, और नॉर्मल जेंटल तो आप जानते ही, नॉर्मल पर धोने तो नॉर्मल, जेंटल पर जेंटल। स्पिन टाइमर है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें स्पिन टाइमर लगा हुआ है जिसमें आप कपड़े सुखा सकते हैं, आपके ड्रायर है इसमें। ठीक है, यहाँ पे मॉडल है सैमसंग का JSP, इसमें मॉडल दिया है 70S2024L7KG। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको अब ओपन करते हैं इसके ढक्कन को, और देखिए जो हमने लिड ओपन किया वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नज़र आ रहा है, यानी ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी है और कमज़ोर भी है, मतलब इसमें टूटने के चांस ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो इसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। इसके जो कवर लिड है ना, ये वास्तव में बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहे हैं मुझे। और देख सकते हैं ये इसका कपड़े धोने वाला बॉक्स, इसमें कुछ सामान हमें मिल जाता है, तो निकाल लेते हैं इसको, देख लेते हैं क्या इसमें। एक तो पाइप है, हॉस पाइप है इसमें जो पानी इनलेट वाला है उसके लिए, और चलिए देखिए ये जो घूमता है वाला व्हील, इससे कपड़े धुलते हैं वाला, देखिए इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से लेगा। अब चलते हैं ड्रायर की तरफ, ड्रायर को आपको दिखा देते हैं। इसमें लगा है सेफ्टी प्रिकॉशंस, आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस रीड करना बहुत ही जरूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें बताई जाती हैं। ये यहाँ पे एक ढक्कन दिया हुआ है, लिड दिया हुआ है ड्रायर में, तो इसको ओपन करेंगे हम, और कुछ इस तरीके से इसको ओपन कर लेते हैं, और देखिए इसमें ओपन करने के बाद ये कुछ इसमें रखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, और ये है इसका ड्रायर का बॉक्स। तो ड्रायर का जो बॉक्स है वो काफ़ी स्मॉल लगा फ्रेंड्स मुझे, और इसमें आप बड़ा वाला ब्लैंकेट वगैरह आप ड्राई नहीं कर सकते हैं। ये है आपका ड्रेन पाइप जिससे आपका पानी बाहर निकलता है आफ्टर क्लॉथ वॉशिंग करने के बाद। तो इस तरीके से हमारा वॉशरूम है, यहाँ पे इसको इधर से निकाल देंगे, रख देंगे और पानी निकल जाएगा। और इधर दिया हुआ है इसका हुक में हम लगा देते हैं इसको, उसके बाद देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। ये पाइप इनलेट पाइप मिलता है जिससे पानी डालते हैं अंदर के लिए, और भी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, तो चलिए इसको एक बार ओपन कर लेते हैं इसकी, और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इनलेट पाइप मिल गया है जिसको इस तरीके से आप लगा सकते हैं, दूसरी साइड को आप अपने टेप में लगा सकते हैं नल के अंदर, और इस तरीके से इसमें पानी आप फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मिल जाता है हमें और भी कुछ चीज़ें, इसमें यूजर मैनुअल है, एक ग्रीटिंग ऑफ ट्रस्ट यानी ये क्या है देखते हैं, कस्टमर कॉपी है यानी ये वारंटी कार्ड है, जब भी कोई हमारा सर्विस करने आता है तो उसको ये फिल करके देंगे। अब देखते हैं थोड़ा यूजर मैनुअल के अंदर क्या है। यूजर मैनुअल के अंदर आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं जो उसको रीड करना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। नेम ऑफ पार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बॉस वाटर इनलेट दिया है, और भी बहुत सारे इसमें पार्ट्स के नाम दिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मिल जाता है स्पिनर इनर लिड, जो स्पिनर हम घुमाएंगे उसके अंदर ये इनर लिड है, ये लगाया जाता है, उसके बाद उसको स्पिनर को हम चलाते हैं अपने कपड़ों को सुखाने के लिए। उसके बाद मिल जाता है ये फिल्टर, इसको देख सकते हैं जाली वाला फिल्टर है जो इसमें लगाया जाता है, यहाँ पे कपड़े धुलते हैं उस वाले ड्रम में, तो इसको हम आपको बताएंगे कहाँ पे लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसको लगाया जाता है, और यहाँ पे देखिए वाटर लेवल भी दिया हुआ है, एल दिया है, एम दिया है मीडियम, और यहाँ पे एच भी दिया है हायर। तो ये देखिए इस फिल्टर को कहाँ पे लगाया जाएगा वो लगा के दिखाते हैं, और किस तरीके से लगाना है ये भी देखते हैं हम, क्योंकि पहली बार हम लगा रहे हैं। तो इसको नीचे पहले करके और इसको कुछ ऐसे करेंगे और इस तरीके से लग जाएगा, देखिए इसका आवाज़ आएगा, उसके बाद आपको पता लग जाएगा ये लग गया है सही तरीके से। अगर हम ड्रायर की बात करें फ्रेंड्स, तो ड्रायर हमें काफ़ी स्मॉल लगा, लेकिन आप देख सकते हैं उसके बगल में काफ़ी स्पेस है, उसके साइड में काफ़ी स्पेस है, इससे कपड़ा
उधर जाने के चांस रह सकते हैं। तो आप अगर ड्रायर के अंदर अपने कपड़े डालें तो ध्यानपूर्वक डालना है आपको। कुछ इस तरीके से इसका पूरा व्यू नज़र आता है। वॉशिंग मशीन काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है, लेकिन इसका जो ड्रायर है, उसका बॉडी है, वो काफ़ी कमज़ोर है फ्रेंड्स। ड्रायर तो बहुत ही स्मॉल है, इसमें आप ब्लैंकेट वगैरह बड़े वाले ड्राई नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सैमसंग की 7 kg की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसका जो प्राइस है 7,290 इसका प्राइस है फ्लिपकार्ट पर। ये हमने बिग बिलियन डे सेल में इसको परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। ये आफ्टर डिस्काउंट हमें मिला है 6,100 रुपए का, यानी 6,100 रुपए का ये हमें पड़ा है पूरा। तो आप देख सकते हैं सैमसंग का ये वॉशिंग मशीन है, काफी अच्छा है। इसका बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो काफी कमजोर है। इसका जो ड्रायर है वो काफी स्मॉल है। तो इसके कुछ कॉन्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट इम्प्रेशन है, फर्स्ट अनबॉक्सिंग किया है हमने इसको जस्ट अभी, इसको हमने पूरी तरीके से यूज नहीं किया है। जो इसके अंदर पार्ट्स मिलते हैं उसके बारे में बताया आपको कि क्या क्या पार्ट्स मिलते हैं इसके अंदर। और जैसा कि बताया हमने आपको, इस पर लिखा भी है, इस पर नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी, लेकिन अंदर जो वारंटी है वो मिलती है, 2 साल का आपको वारंटी मिलता है इसका, और 5 ईयर्स का आपको वारंटी मिलता है मोटर्स का। तो ये जो वारंटी है वो फ्लिपकार्ट पर दी हुई है वारंटी, और आपका जो वारंटी कार्ड जो हमें मिला है उसमें भी 2 साल का इसका दिया है पूरा। 2 साल का जो वारंटी है, वॉशिंग मशीन का वारंटी है इसका, कवर वगैरह का है, और 5 ईयर्स का जो वारंटी मिलता है वो आपको मिलता है इसकी मोटर का। तो इस तरीके से इसकी वारंटी है फ्रेंड्स, और इसको आप कंसिडर कर सकते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इतने कम प्राइस में आपको कोई भी वॉशिंग मशीन देखने को नहीं मिलता है। तो 6,000 की रेंज में ये वॉशिंग मशीन अच्छा है। लेकिन अगर ड्रायर की बात करें, इसके कुछ बॉडी पार्ट्स की बात करें, तो वो काफी कमजोर हैं और काफी जल्दी टूटने वाले हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे इसमें मुझे अच्छा लगा कि इतना सस्ता वॉशिंग मशीन है, इसमें सारे फीचर्स भी दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, एक तो प्राइस के अकॉर्डिंग, एक अगर आपका फैमिली स्मॉल है, 2 से 4 अगर मेंबर्स है आपके फैमिली में, तो ये आपके लिए सफिशियंट है। दूसरा ये इसका प्राइस कम है, 6,000 का प्राइस बहुत ही कम प्राइस है। तो फ्रेंड्स, क्या है, अगर आपका बजट कम है और कम पैसों में आप एक वॉशिंग मशीन चाहते हैं, तो सैमसंग का 7 kg सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सबसे कम प्राइस में है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट इम्प्रेशन और अनबॉक्सिंग सैमसंग की मशीन का। इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम बताएंगे आपको कपड़ों को किस तरीके से इसमें वॉश करना है और किस तरीके से ये सारे फीचर्स की आपको यूज करने। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लेना, घंटी बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।